कार्यक्रम रखा गया था, इनमें कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए थे लोग? बिस्मिल्लाह सलाम एंड ग्रीटिंग ऑफ पीस। आज अजमेर शरीफ में शेख अशरफ अफेंदी, जो जर्मनी से एक शहर है, एक कस्बा है जिसका नाम सूफी लैंड, जहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है सूफी लैंड में, वहाँ से एक 10 लोगों का डेलीगेशन जिसमें तंजानिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के अलग अलग मुल्कों से इसमें जो इनके डेलीगेशन के लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, हिंदुस्तान के सफर पे हैं, अमन का पैगाम लेने भी आए हैं, अमन का पैगाम सुनाने भी आए हैं। और इसकी शुरुआत इन्होंने हिंदुस्तान के सफर की शुरुआत बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से की है। आज गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के साथ साथ एक सर्वधर्म संवाद, इंटरफेथ डायलॉग रखा गया, जिसको यहाँ चिश्ती मस्जिद सूफी खानका में ऑर्गेनाइज किया गया ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड की जानिब से, चिश्ती फाउंडेशन और वर्ल्ड सूफी फोरम की जानिब से। इनके तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ यहाँ पे लोगों को बुलाया गया और अजमेर शरीफ में जो सर्वधर्म संवाद के लिए एक संस्था है, सर्वधर्म मैत्री संघ, उसके अध्यक्ष प्रकाश जैन साहब और पाथक जी महाराज जो चित्रकूट धाम पुष्कर से तशरीफ लेके आए, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारे फादर अर्जुन सिंह जी यहाँ पे आए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रह्म कुमारी की योगिनी दीदी वो भी आई, और सरदार दिलीप सिंह छाबड़ा साहब के साथ तमाम जो इंटरफेथ के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ एक तबादला ख्याल किया, अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, जो सदियों से बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से जाता रहा है हमारे हिंदुस्तान मुल्क की जानिब से भी। तो आज ये पैगाम यहाँ पे फिर से हमने दोहराया और उम्मीद यही करते हैं कि जितना इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पे आया है हिंदुस्तान में, जहाँ भी जाए अजमेर शरीफ के बाद, वहाँ से ये पैगाम लेके जाए और अपने अपने मुल्कों में हमारे देश की तरफ से अमन का पैगाम और गरीब नवाज का जो पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, उस पैगाम को लेके जाएं, अपने दिलों में बसाएं। ये आए हैं यहाँ पे दुआ के लिए, लेकिन जाएंगे गरीब नवाज का सफीर बन के, गरीब नवाज का एम्बेसडर बन के वो पैगाम लेके इंशाल्लाह। आपका नाम और पद बताइए। हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड एंड वर्ल्ड सूफी फोरम। और मैं आपसे सीखा हूं, मैं रास्ता हक और सदाकत का दिखा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बड़ा बारीक है, रहना सिखाता है।